अगर आप दिन में सैकड़ों बेमतलब के SMS का सामना करते हैं और बार बार आने वाले ये बेमतलब के मैसेज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिन में आने वाले इन तमाम मैसेज को डिलीट करने के लिए भी आपको अलग से वक्त निकालना पड़ता है। अब 1 अप्रैल से आपकी बेमतलब के SMS की ये मुसीबत खत्म होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्राई के इस कदम से ग्राहकों के साथ होने वाले ठगी और फर्जीवाड़े को खत्म करने में मदद मिलेगी। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिशा निर्देश जारी किया है कि वे SMS चेकिंग फिल्टर्स को 1 अप्रैल से फिर से लागू करें और ऐसे SMS को रोक दें जो कि ट्राई के तय किए गए रेगुलेटरी नियमों को पूरा नहीं करते हैं। ट्राई ने 23 मार्च को अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ट्राई ने कंसोलिडेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यानी कि अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन को रोकने के लिए 3 CCCPR 2018 रेगुलेशन जारी किए थे। इन रेगुलेशन को 28 फरवरी 2019 से लागू कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार ट्राई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ संपर्क में रहा है। 25 मार्च को जारी किए गए टेलीकॉम कंपनियों और सभी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ट्राई ने कहा है कि रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त वक्त दिया गया था और अब ग्राहकों को रेगुलेटरी प्रावधान से वंचित नहीं किया जा सकता। ट्राई के SMS स्क्रबिंग का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, यानी कि 31 मार्च तक सभी कंपनियों को ट्राई के टेम्पलेट से रजिस्टर्ड होना होगा, नहीं तो उनके SMS ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ट्राई के इस नए नियम से अब फर्जीवाड़े रोके जा सकेंगे और इससे ग्राहकों को भी बड़ा फायदा होगा। हालांकि बीते कुछ दिन पहले SMS स्क्रबिंग को लागू किया गया था, तब इससे कुछ दिक्कतें हुई थी जिसमें लोगों को OTP नहीं मिल पा रहे थे। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक बार सिस्टम ठीक से लागू हो जाए तो सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बहरहाल ट्राई अपने SMS स्क्रबिंग के नियम को 1 अप्रैल से दोबारा लागू करने जा रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।